अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के अड्डे सिक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार एसटीटी यानी कि बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों ने जिन्होंने फॉर्म भरा था एसटीटी 2019 के लिए फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर के लिए। उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उनका एडमिट कार्ड अब डाउनलोड होने लगा है। जी हाँ, लिंक तो कल ही दिया गया था लेकिन प्रॉपर वो काम कर नहीं रहा था, लेकिन अब यहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई किया था वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका एग्जाम डेट कब से है और टाइमिंग क्या है आपकी। ठीक है, तो ये काम प्लीज कर लीजिएगा। आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं हम लोग, और जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ पे अदर सब्जेक्ट से यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं वो लोग भी ज्यादा अभी तैयारी करते रहे क्योंकि उनका भी एग्जामिनेशन डेट उसी के आसपास होगा। लेकिन एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा ये वीडियो के अंत में बता दूंगा आपको, तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। और बिहार बिलेट्रॉन से रिलेटेड हर वो वीडियो आपको लेकर आ रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो लगातार इन सभी वीडियोस को देखिए आप लोग। ठीक है, आज थोड़ा सा विलंब हो गया इन सभी वीडियोस को आने में यहाँ पे, इसलिए क्षमा चाहते हैं। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए वीडियो नहीं आ पाया है आज, और ये अभी मिल जाएगा थोड़ी देर के बाद आपको इन सभी का वीडियोस भी। ठीक है, चलिए तो लेकर चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको लेकर चलेंगे BSEB.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिंक एक्टिवेट हो चुका है। जरा सा मैं इसको जूम इन करूंगा। देखिए यहाँ पे जो लिंक दिया गया है, ये देखिए, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द फिजिकल एजुकेशन द हेल्थ इंस्ट्रक्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, और बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पे क्या है कि अपना एप्लीकेशन नंबर खो चुके होंगे या फिर कुछ ऐसा हो गया होगा उनके साथ, तो इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। और लिंक पे क्लिक करते ही देखिए ये पेज आपका ओपन होगा। ठीक है, आप अपना ईमेल आईडी तो याद ही होगा आपको, मोबाइल नंबर भी याद होगा, है ना, और इस कैप्चे को यहाँ डालिएगा और सबमिट कीजिएगा। आपके ईमेल पे और आपके मोबाइल पे दोनों ही जगह आपको ये मैसेज भेज दिया जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड क्या है। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। चलिए, तो हम आ चुके हैं इस पेज पे जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है यहाँ पे। आप अपने कंप्यूटर से भी ऑन होके कर सकते हैं या अपने मोबाइल से भी, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप मोबाइल से इसको डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको अपना जो मोबाइल का जो साइट है उसको हटाकर वहाँ पे डेस्कटॉप साइट कर लीजिएगा। जैसे क्रोम ब्राउजर पे जाइएगा, वहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा और डेस्कटॉप साइट पे कर लीजिएगा, तभी आपका ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पे डाउनलोड हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और इस कैप्चे को यहाँ डालकर जी हाँ लॉगिन कीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। चलिए, एक छात्र है उनका मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखला देता हूँ। वैसे ये छात्र जो है इनका एग्जाम डेट है, दिखला देता हूँ आपको, सामने देख लीजिएगा, है ना। चलिए, मैं इसको इसमें इनका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इनका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है और इसको लॉगिन करता हूँ। जैसे ही लॉगिन करूंगा इनका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। दोस्तों मैंने इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। मेन यहाँ पे फोकस करते हैं दोस्तों कि इनका आखिर एग्जाम डेट कब है। तो इनका एग्जाम डेट है 16 दिसंबर को ही। ठीक है, और ये इनका टाइमिंग है दोस्तों 12 बजकर से लेकर 2 बजे तक का, दोपहर का टाइमिंग है इनका। और इनका सेंटर पड़ा है उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलवारी शरीफ पटना में। तो आप लोग भी अपना यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उन इंस्ट्रक्शन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि आखिर आपको यहाँ पे करना क्या है और कैसे जाना है आपके एग्जाम देने के लिए। ठीक है, मैं कुछ इंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूँ। वैसे कृपया परीक्षा प्रारंभ होने से पहले समय 1 घंटे पूर्व आपको केंद्र पर पहुँचना है और अपने सीट प्लान के अनुसार ही अपने जगह पर बैठना जाके। ठीक, ये तो हर कोई करता है। उम्मीदवार को जो यहाँ पे 10 प्रवेश पत्र को प्रस्तुत किए बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश अनुमति, यानी कि जो उनका चेक होगा जब तक नहीं, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, डू नॉट टेक मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, मैथमेटिकल, फिजिकल चार्ट, टेबल, किसी भी तरह का आपको जो आपके एग्जाम में सहायता हो सके उस चीज से उसको लेकर नहीं जाने हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, ये आपका इंस्ट्रक्शन है। आप लोग भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके एक बार पढ़िएगा। परीक्षा हॉल में किसी प्रकार का कदाचार होने पर गलत तरीके से आपको यहाँ से बाहर किया जा सकता है अगर आपके द्वारा, या फिर आपकी उम्मीदवारी भी यहाँ पर रद्द कर दी जा सकती है। ठीक, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये चीज़ें नहीं लिखी गई हैं कि आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है या नहीं है।
ये आपको जब वहां पे बुकलेट मिलेगा तभी आपको ये चीज क्लियर होगा। ठीक, याद रखिएगा, परीक्षा द्वारा ओएमआर सीट में रबड़ का, इरेजर का, ब्लेड का, नाखून का प्रयोग ना करें, क्योंकि कंप्यूटर जब स्कैन करता है तो उस चीज को नेगलेक्ट कर देता है, यानी कि आपका वो एक नंबर सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। इसलिए सही आंसर ही गलत वहां पे ओएमआर सीट में कलर कीजिएगा। और बुकलेट पे सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर होंगे, केवल एक ही सही है। आपका कार्य सही उत्तर का चुनाव कर उत्तर पुस्तिका पर उसी प्रश्न के सामने दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को गोला या नीले कलर से रंगना है, पेंसिल से नहीं। पेन यहाँ ले जाना है ब्लू या ब्लैक पेन ले जाना है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज बताया गया है, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर होंगे, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे और केवल एक ही को आपको रंगना वहां पे। ठीक है, यहाँ भी आपको जो है ये नहीं बताया गया है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ठीक है, तो अभी ये कंफर्म नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपके एग्जाम में इस चीज का कंफर्मेशन हो जाएगा जब आपके हाथ में आपको बुकलेट मिलेगा। तो एक और है यहाँ पे कि ओएमआर सीट जो उत्तर पत्र है उसे ना मोड़ें, और ना ही उसे, क्योंकि उसके अंदर कार्बन शीट लगी रहती है जिस पे कि आप अपना कलर करते हैं आंसर्स को, है ना। तो उसको एकदम मोड़ना नहीं है और ना ही उसको, और ना ही उसको फोल्ड करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन है कि परीक्षा भवन छोड़ने से पहले ओएमआर सीट जो है वो अपने वीक्षक, यानी कि जो आपके इंस्ट्रक्टर होंगे एग्जाम में, एग्जामिनर होंगे, उनको देकर जाना है इन्विजिलेटर को। ठीक है, और अच्छे से रोल नंबर कलर कीजिएगा अपना, अच्छे से अपना बुकलेट नंबर कलर कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सब में टाइम लगता है और ये समय आपको पहले मिलता है ना। तो आपको क्या करना है कि एग्जाम में 1 घंटा पहले पहुंचना है, एग्जाम देने से पहले, यानी कि 11 बजे तक आपको सेंटर में पहुंच जाना है, जिनका भी यहाँ पे एग्जाम है फिजिकल हेल्थ और हेल्थ इंस्ट्रक्टर के लिए। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर के लिए जिनका भी एग्जाम है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप एग्ज़ाम देकर जब आएंगे तो एक बार हमें ज़रूर बताएंगे, क्योंकि क्या होगा कि आपके बाद जो लोग एग्ज़ाम देंगे STT का, उनको भी पता लग सके कि वहाँ निगेटिव मार्किंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लीजिएगा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके, और अपना साथ एक ब्लू और ब्लैक पेन ही बस लेकर जाना है और कुछ भी नहीं लेकर जाना है। ठीक है, परीक्षा में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत कर लीजिएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम ना कैंसिल हो जाए और ना ही उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। ठीक है, आराम से जाइएगा, कूल माइंड होके जाइए, जितनी तैयारी है उतना करके आइए, बहुत इजी एग्ज़ाम होने वाला है, और पहले दिन जिसका एग्ज़ाम होता है तो बहुत इजी ही होता है ना। तो वहाँ से थोड़ा सा डर रहता है कि उनका एग्ज़ाम कैसा जाएगा, लेकिन उनको सबसे इजी पेपर रहता है। ठीक है, ये हमेशा मैंने अपने लाइफ में इस चीज़ को देखा है। खैर, आप लोग भी अपना देख लीजिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे, यहाँ पे कितना क्या करना है। निगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया फिलहाल इस इंस्ट्रक्शन में, लेकिन आप लोग अगर वहाँ एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ एक बार ज़रूर नोट पढ़ लीजिएगा कि आपको इस क्वेश्चन का निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तभी आप आंसर सोच समझ के कीजिएगा, इन्हें कि सारा का सारा क्वेश्चन रंग के आ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन के साथ मैंने आपको एक अब जो बातें बताई हैं इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, और अच्छे से एग्जाम देकर आएंगे आप लोग। ठीक है, और जो भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। 16 दिसंबर से एग्जाम शुरू है फाइनली, ये आपको पता लग चुका है। ठीक है, यानी कि 16 दिसंबर से इसका एग्जाम शुरू, और बाकी अदर जो सब्जेक्ट है जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, हिंदी हो गया, आर्ट्स हो गया, इन सब के लिए एक साथ डेट निकाले जाएंगे, और उन सब का जैसे ही अप टू डेट किया जाएगा हमारे चैनल पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका कब से एग्जाम है, और आप लोग भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, आप हमारे साथ बने रहें इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। और बिहार बुलेटिन का तैयारी जो छात्र कर रहे हैं उनके लिए लगातार वीडियोस दे रहे हैं हम लोग, और खासकर वही टॉपिक उठाकर दे रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि MS ऑफिस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी टॉपिक को कवर अप कराया जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में कम से कम शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग जुड़ सके और बेलेट्रॉन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं छात्र वो अपनी तैयारी जारी रख सके। ठीक है, आपको आज सारे वीडियोस मिलेंगे पर थोड़ा लेट मिलेगा, इसलिए क्षमा कीजिएगा, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आपको वीडियोज आज दिन भर में कुछ नहीं मिल पाया है, ना ही दे पाए हैं। ठीक है, और बिहार दरोगा की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं उनके लिए YT एजुकेशन पे भी अभी लेट ही सारा वीडियो मिलेगा उनको। जो भी छात्र देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ जाके YT एजुकेशन को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।